तो आई होप आप सभी को पता लग गया होगा कि ट्विटर बैन हो सकता है। सरकार की आखिरी चेतावनी जैसे कि ट्विटर को दे दी गई है और वो कुछ नियमों का उल्लंघन कर रहा है सरकार के मतलब स्ट्रिक्ट करने के बावजूद भी, उसको कहने के बावजूद भी ट्विटर ऐसा कहा जा रहा है कि वो उल्लंघन कर रहा है। दोस्तों आप सभी को पता भी होगा कि पहले भी खबर आई थी कि ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप, ये सब ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक भी था दोस्तों उसमें, तो वे सब भी बैन होने वाले हैं। लेकिन फिर वे बैन नहीं हुए क्योंकि सरकार ने उनको कुछ दिन की मोहलत और दे दी। तो उन सब का तो जो परफॉर्मेंस है वो तो काफी अच्छा है, मतलब जो सरकार को चाहती है, सरकार चाहती है वो नियमों का पालन लगभग कर रहे हैं आई होप। लेकिन ऐसा लगता है ट्विटर के बारे में खबर देखकर कि शायद ट्विटर उनके नियमों का पालन नहीं कर रहा है। और आपको एक बात और बता दूं दोस्तों, हमारे जो इंडिया के उपराष्ट्रपति हैं हमारे वेंकैया नायडू जी, उनका ट्विटर ने ब्लू टिक भी हटा लिया था। जी हाँ दोस्तों, ये खबर आज के अखबार में भी आई हुई है। अगर आपको यकीन हो तो आप आज का अखबार उठा के देख सकते हैं। मैंने भी आज का अखबार पढ़ा तो मेरे को भी ये अपडेट मालूम हुआ और मैं चाहता हूँ कि आप सभी को भी अपडेट मालूम हो। और दोस्तों मैं आपको बता, ये इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि सरकार के वे कौन से नियम है जिसका उल्लंघन ट्विटर कर रहा है। या दोस्तों आप कंप्यूटर स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा, मैं आपको ट्विटर टुडे लाइव न्यूज दिखाने जा रहा हूँ। जो जो मैं आपको बताऊंगा बाद में वो पहले यहाँ पर लाइव दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, मैं जैसे कि अपनी गूगल क्रोम ओपन कर चुका हूँ और गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं ट्विटर टुडे न्यूज करता हूँ क्लिक। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं दोस्तों, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, मोहन भगवत ट्विटर रिमूव स्टोर, यानी कि ट्विटर ने हमारे जो उपराष्ट्रपति है उनका ब्लू टिक हटा दिया था। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये 4 आवर्स एगो है और 8 आवर्स एगो NDTV, ट्विटर, नरेंद्र मोदी और आज तक मतलब सबने ट्विटर के बारे में खबर डाली हुई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 घंटे पहले की है। और दोस्तों मैं आपको अभी इसके बाद ये बताऊंगा जो कि ट्विटर ने नियमों का उल्लंघन किया है और सरकार ट्विटर से क्या चाहती है कि वो किन नियमों का पालन करे। तो आई होप दोस्तों आप यहाँ पर देख के समझ गए होंगे। वैसे अगर आप पढ़ना चाहें तो गूगल पर आप पढ़ सकते हैं। वैसे मैं आपको जो आगे नियम बताऊंगा वे किन किन के नियमों का उल्लंघन किया है वो बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए। दोस्तों ट्विटर ने जो बदमाशियां की है वो कुछ इस प्रकार है। आप जान लीजिए कि ट्विटर ने कौन कौन सी बदमाशियां की जिनकी वजह से सरकार ट्विटर को बैन करने का निर्णय ले रही है। वैसे अभी बैन नहीं हुआ है लेकिन जब निर्णय हो जाएगा तो तब बैन हो सकता है। तो आप प्लीज़ जान लीजिए। अभी तो आपने लैपटॉप में देखा लेकिन वहाँ पर सब इंग्लिश में था टोटल, तो मैं आपको बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बता देता हूँ। दोस्तों ध्यान से आप सुनिएगा बस। 26 जनवरी को कृषि कानूनों के विरोध में निकाली गई रैली हिंसक होने के बाद सरकार ने कुछ अकाउंट के खिलाफ कदम उठाने को कहा था, लेकिन ट्विटर ने आनाकानी की। इसमें ट्विटर ने आनाकानी की जिससे कि सरकार को बुरा लगा। स्वीडन की पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग की ओर से शेयर किए गए टूलकिट पर सरकार ने नाराजगी जताई थी। सरकार ने कहा था कि भारत में अशांति फैलाने के लिए ट्विटर का दुरुपयोग किया गया। ट्विटर ने लद्दाख के कुछ हिस्से को चीन के नक्शे में दिखा दिया था जो कि बहुत बड़ी गलती थी और इस गलती को सुधारने में बहुत दिन लग गए थे। ट्विटर पर कोरोना रोधी वैक्सीन को लेकर संदेह फैलाने वाली बातें प्रसारित की गई लेकिन ट्विटर ने कोई कदम नहीं उठाया। दोस्तों बहुत गलत बात है। कोरोना वायरस के B.1.617 वेरियंट को दुर्भावना के कारण भारतीय वेरिएंट के रूप में प्रचारित करने वाली विभिन्न पोस्ट के खिलाफ भी ट्विटर ने कोई कदम नहीं उठाया। दोस्तों सरकार को इससे भी बुरा लगा। ट्विटर ने हाल में कहा कि उसे भारत में अपने कर्मचारी की सुरक्षा को लेकर चिंता है, साथ ही उसने अभिव्यक्ति की आजादी पर भी खतरे को लेकर बुझा गुहार लगाई। ट्विटर का कहना है कि नए आईटी नियमों से अभिव्यक्ति की आज़ादी प्रभावित होगी। इस पर सरकार ने कहा कि ये नियम विमर्श के बाद तैयार किए गए हैं, ट्विटर को इसका अनुपालन करना होगा। और जबकि ट्विटर दिख रहा है उसके आजकल की न्यूज़ से ये भी दिख रहा है कि ट्विटर शायद इनका अनुपालन नहीं कर रहा है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो इंडिया की हमारी गवर्नमेंट है उसने ट्विटर को क्या क्या चेतावनी दी है। और उसने कहा है कि जो कंप्लायंस ऑफिसर के साथ नोडल ऑफिसर और रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर नियुक्त करना है। मंत्रालय ने नोटिस में कहा कि ट्विटर ने अब तक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति को लेकर कोई सूचना नहीं दी है। वही नोडल ऑफिसर और ग्रीवांस ऑफिसर भी भारत में ट्विटर के कर्मचारी नहीं है जो कि नए नियमों के खिलाफ है। ट्विटर ने भारत में अपने कार्यालय का जो पता दिखाया है वह किसी लॉ फर्म का है, यह भी आईटी नियमों के खिलाफ है। दोस्तों देखिए मतलब इस तरीके से ये जाहिर होता है कि ट्विटर झूठ भी बोल रहा है। नोटिस में कहा गया है कि पिछले एक दशक से ट्विटर भारत में कारोबार कर रहा है, इसके बावजूद नियमों को पालन को लेकर ट्विटर कोई मैकेनिज्म तैयार करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है जिससे यूजर्स अपनी शिकायतों का निपटारा एक पारदर्शी प्लेटफॉर्म पर कर सके। ट्विटर पर जिन लोगों को गाली दी जाती है जो ट्विटर की वजह से यौन हिंसा का शिकार होते हैं, ट्विटर निर्देशों का उल्लंघन कर रहा है।
दोस्तों कहने का मतलब साफ ये है कि अब सरकार कह रही है कि ट्विटर इनके जो मतलब नियम है उनका उल्लंघन कर रहा है, तो उसको हटाना पड़ सकता है। दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे, और आपने अभी लाइव भी देखा गूगल पर, और मैंने अभी आपको शुद्ध हिंदी में भी बता दिया है। तो दोस्तों अगर ट्विटर बैन होता है तो मैं आपको अगली वीडियो में अपडेट कर दूंगा। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।